हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइस अब प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। तो इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि बस स्टॉप को बैरिकेड किया गया है किससे? बाय यूजिंग 50 हॉलो कॉन्स। तो यहाँ पे आपने देखा होगा रोड के अंदर ऊपर जो और रेड कलर के या ऑरेंज कलर के जो होलो कॉन्स होते हैं, कोन की शेप में जो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, उसको यहाँ पे क्या किया, उसे बैरिकेड किया हुआ है मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। उनको किससे बनाया है? रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड से बनाया गया। और टोटल कितने कोन है यहाँ पे? 50 है। होलो होलो मतलब कि वो अंदर से खाली है, सॉलिड नहीं है। ईच कोन हैज़ अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको डायमीटर कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर। एंड हाइट जो है यहाँ पे गिवन है आपको 1 मीटर, यानी एच इक्वल टू आपको गिवन है यहाँ पे 1 मीटर। इफ़ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर, वॉट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दिस कोन्स। तो आपको यहाँ पे क्या कहा है, उन्होंने इन होलो कोन से इन्होंने बाहर से उसको पेंट किया है। तो होलो का इसका मतलब क्या है कि उनका बेस नहीं है, इस तरह के वो कोन है, इस तरह से जो बीच में से क्या है, खाली, यानी इनका सिर्फ क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो इन कोन को, 50 कोन्स को उन्होंने पेंट किया है। पेंट किया इसका मतलब कि सरफेस को पेंट किया। सरफेस जब भी आएगा तब आपका एरिया आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करोगे, फिर उसको 50 से मल्टीपल करके 50 कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, फिर हम यहां पे कॉस्ट को फाइंड करेंगे। तो गिवन हाइट ऑफ कोन यानी एच इक्वल टू हमें गिवन है 1 मीटर, और डायमीटर है वो हमारा सेंटीमीटर के अंदर है। तो रेडियस क्या हो जाएगा डायमीटर का? हाफ, यानी 40/20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो जो रेट है हमें वो मीटर स्क्वायर के अंदर गिवन है, तो हमारे एरिया भी मीटर के अंदर होना चाहिए। तो हम रेडियस जो हमारा सेंटीमीटर में, उसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर मेरा किसके इक्वल होता है? 1 मीटर के। तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा मेरा? 1/100 कम हो जाएगा, 1/100 मीटर के। और मेरे पास कितना सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर है। तो एक का मुझे पता है कि 1 सेंटीमीटर इतने मीटर के बराबर होता है, तो 20 का कितना होगा? एक का दिया हो, ज्यादा का फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। तो 1/100 × 20 हो जाएगा, यानी 20 को हम मल्टीपल करेंगे 1/100 से, तब हमारा ये चेंज हो गया मीटर में। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 के टेबल में 10 आया 5 टाइम, तो 1/5 आपका यहाँ पे क्या हो गया, 0.2 मीटर हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मुझे अभी मैंने आपको बताया था आपको यहाँ कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, क्योंकि ये होलो वर्ड आपको यहाँ पे गिवन है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन वही जो होगा वो पेंट होगा, विल बी पेंटेड। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन विल बी पेंटेड। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन, पहले एक कोन का फाइंड कर ले। तो एक कोन का फाइंड करने का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो आपको क्वेश्चन में यहाँ पे क्या रेडियस गिवन है और हाइट गिवन है, हमें एल नहीं गिवन है। तो एल हमें पता है कि क्या होता है, तो हम यहाँ साइड में सॉल्व करते हैं। लेट एल बी द स्लांट हाइट ऑफ कोन, यानी एल यानी कि इस कोन की क्या है, ये स्लांट हाइट है, इसको हम एल ले लेते हैं, एल मीटर। ठीक है, तो इसको फाइंड करने का, स्लांट हाइट को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये पूरा आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है इस तरह से। तो ये हमारा एल हो गया, जो हाइपोटेनस होता है ये हाइट होती है, और ये रेडियस होता है, और हमेशा कोन पर और रेडियस और हाइट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्यों? तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल क्यों बनता है। तो एल आर एच में रिलेशन होता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लो, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, तो ये आपका 1 स्क्वायर हो गया, और आर स्क्वायर यानी 0.2 का स्क्वायर हो गया। तो 1 का स्क्वायर तो आपका 1 ही हो गया, और 0.2 का स्क्वायर अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 0.04 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देखो इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो 1 से 0 ऐड जाए डेसिमल से पहले, यहाँ डेसिमल नहीं तो हम 0 लगा सकते, तो 1 0 से ऐड गया 1.04 हो गया। तो एल इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, ये स्क्वायर इधर आके अंडर रूट हो जाएगा 1.04, और अंडर रूट ऑफ 1.04 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 1.02 होती है। तो ये हमारा हो गया 1.02 हो गया, यानी कि एल हमारा आ गया 1.02। तो हमने एल फाइंड कर लिया, अब आप यहाँ वैल्यू पुट कर लो। पाई, पाई की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन है 3.14 वैल्यू यूज़ करना है। तो
ये हमने पुट किया 3.14, रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.2 और एल हमने अभी कैलकुलेट किया 1.02। तो ये क्या करना है, ये सारे ही डेसिमल में, अगर मैं डेसिमल हटा के सॉल्व करूंगी तो और लेंथी हो जाएगा, तो इससे क्या करो आप डायरेक्ट इनको मल्टीपल कर दो। तो मल्टीपल तो आप इजीली कर लोगे, पहले 3.14 को 0.2 से मल्टीपल करना, जो सोल्यूशन आएगा उसको 1.02 से मल्टीपल करोगे तो आपका सोल्यूशन आएगा 0.64046 मीटर स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया वन कोन आएगा। अब हमें कितने कर्व सर्फ कोन का कर्व सरफेस एरिया चाहिए, 50 का, तो इसको 50 से मल्टीपल कर दिया। नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन, तो 50 कोन का कर्व सरफेस एरिया हो गया 50 इंटू एरिया ऑफ वन कोन। तो ये आपका हो गया 50 इंटू एरिया वन कोन कितना आ रहा है, 0.64046। तो ठीक है, तो पहले इसको मल्टीपल कर रहे हैं, जीरो हमारा एज इट इज आ गया, 5 से मल्टीपल कर लो तो 6 इंटू 5 30 का जीरो कैरी 3, 5 इंटू 4 20 23 हो गया, तो ये जीरो इस वजह से यहाँ पे 23 आ जाएगा। 5 इंटू 4 20 का जीरो कैरी 2, 5 इंटू 6 30 30 और 2 32 हो गया। अब कितने नंबर के बाद डेसिमल लग जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 यानी कि ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये डेसिमल लग गया तो ये आपका हो जाएगा 32.023 मीटर स्क्वायर, यानी 50 कोन का इतना एरिया हो जाएगा, यानी कि इतना 50 कोन के इतने एरिया पे आपको पेंट करना है। अब आप यहाँ पे देखो कॉस्ट हम लिख लेते हैं, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने का कॉस्ट कितना है आपका, 12 रुपीज़। ये देखो क्वेश्चन में कह रहा है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज़ ₹12 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर पर कॉस्ट पेंट करने का खर्चा है ₹12। तो हमारे पास कितना आ रहा है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, 32.023 मीटर स्क्वायर, यानी एक का दिया हुआ है, ज़्यादा का फाइंड करना है तो क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया मल्टीपल, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 12 इंटू 2 24, नहीं सॉरी, यहाँ से 12 इंटू 3 36 का 6 कैरी आपका 3 हो गया, 12 इंटू 2 24 24 और 2 आपका यहाँ पे हो गया 27। तो ये आप सॉल्व कर लोगे मल्टीपल करके, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देती हूँ, 384.276 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम अप्रॉक्सीमेट लिखेंगे तो 384.276 आपका यहाँ पे क्या, 276 आपका 300 के नियर है, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, ये हमारा हो गया अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो ये हो गया, सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 50 कोन्स इज ₹384.3। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो मल्टीपल तो आप इजीली कर लोगे, इसको मैं यहाँ पे मल्टीपल को सॉल्व करके वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रही, ताकि कैलकुलेशन तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो समझाने की बात थी, वो मैंने आपको समझा दिया क्यों यहाँ पे हमने बेस नहीं लिया, क्या चीज़ हमको देखनी है, किस तरह से सॉल्व करना है। तो अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।